बारहवीं पास करकर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो दसवें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। इतने सारे युवा हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने सारे युवाओं को बताना चाहता हूँ कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, बारहवीं पास करकर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और एक और उनके नेता हैं, जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो बारहवीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो दसवें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया, और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य करने की बात तो ये है कि जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है वो अपने से छोटे को झूठ बोल रहा है, जो छोटा नेता है वो अपने से छोटे नेता को झूठ बता रहा है, जो सबसे छोटा नेता है वो कार्यकर्ताओं को झूठ बता रहा है। बताओ, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये मैं भाषण सुन रहा था उनके बड़े नेताओं के, उनके महंगाई में महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है जनता सवाल पूछ रही है तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से, अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई?